अलीगढ़ एक शहर यूपी का ऊपर से देखने पर एक सामान्य और औसत दर्जे के हिंदुस्तानी शहर जैसा है। पुरानेपन का एहसास कराती इस शहर की संकरी गलियां, बाजार की चिल्लपों, रिक्शे, साइकिल और पैदल यात्रियों के बीच चलते ऑटो रिक्शा और कारें, भीड़ भरा बाजार, फुटपाथों पर कब्जा जमाकर लगाई गई दुकानें, रेलवे स्टेशन से बाहर आते और अंदर जाते यात्री, पान और तंबाकू की पीक से सनी दीवारें, रेलवे प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमाए लोग और सर्वत्र गंदगी का साम्राज्य, सब कुछ एक जैसा भारत के दूसरे शहरों जैसा। आपको बता दें, अलीगढ़ एक पुराना शहर है। इसकी पहचान चाणक्य युगीन ब्रज प्रदेश के एक हिस्से के रूप में होती है। तहजीब वाला यह शहर अपने तालों के लिए भी काफी मशहूर रहा है। ये अलग बात है कि आज इस शहर में ताले भी ढूंढने पड़ते हैं। किसी जमाने में ताले के लिए मशहूर रहा अलीगढ़, आज ताले से ही मोहताज है। ये जहां हम लोग खड़े हैं, ये अलीगढ़ की सब्जी मंडी का चौराहा है। किसी जमाने में ये तालों की एक बाजार हुआ करती थी और अब यहाँ इक्का दुक्का दुकानें ही बची हैं। यहाँ हमने बात की तालों के एक व्यापारी मुनि रहमत से। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने अलीगढ़ और इस शहर की तहजीब और तालों के बारे में। कुल मिलाकर के आज और इस शहर की पहचान तालों के रूप में भी बहुत मशहूर थी। क्या बात है, आज ताले यहाँ से गायब हो गए हैं? नहीं, गायब तो नहीं हुए, लेकिन कुछ महंगाई की वजह से कुछ कारखाने जो है वो यहाँ से दब गए हैं। कुछ गुर्बत की वजह से, कुछ महंगाई की वजह से। यहाँ के ठेकेदार जो है वो पैसा कम देते हैं और काम ज्यादा लेते हैं, इसलिए जरा सी जो है कुछ कमी आ गई है। और फिर महंगाई इतनी हो गई कि जो ताला 20-25 रुपये का आया था वो ताला 50 रुपये का हो गया, इसलिए थोड़ा सा फिल हुआ, लेकिन उस रहा वो। अलीगढ़ आज चाहे जैसा भी दिखाई देता हो, पर शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत बहुत महान रही है। कहते हैं कि किसी कोल नामक दैत्य राजा ने इसे जीत कर इसका नाम कोल रख दिया था। अलीगढ़ को अभी भी सरकारी फाइलों में कोल ही कहा जाता है। समय के बदलावों ने अलीगढ़ को भी बदला। इसकी शुरुआत 1864 से मानी जा सकती है, जब दिल्ली के वाशिंदे सर सैयद अहमद ने मुस्लिम और महिला शिक्षा के प्रसार और वैज्ञानिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसी सोसाइटी ने 1875 में वहां एक मदरसा खोला, जो 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया और 1920 में यही संस्थान देश का पहला ऐसा शिक्षा संस्थान बन गया जहां प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक एक ही छत के नीचे देने की व्यवस्था थी, जो आज भी है। बाद में देश के दूसरे विश्वविद्यालयों ने भी यही राह अपनाई। देश का अपने आप में अलग यह संस्थान है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का देश में ही नहीं विदेशों में भी बड़ा नाम है। खासकर मुस्लिम महिला शिक्षा के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। आज अलीगढ़ गंदा जरूर दिखाई देता है, लेकिन इस शहर ने गंगा जमनी तहजीब और कौमी एकता की मिसाल देने के साथ ही इस देश को साहित्य, कला, संस्कृति, फिल्म, खेल और राजनीति के क्षेत्र की ऐसी नामचीन हस्तियां दी हैं जिनके लिए हमारा देश अलीगढ़ का हमेशा आभारी रहेगा। इनमें देश के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेकर लेखक राही मासूम रजा, ख्वाजा अहमद अब्बास, साहिर लुधियानवी, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, निदेशक मुजफ्फर अली, गीतकार जावेद अख्तर, गजल गायक तलत महमूद, क्रिकेटर सीएस नायडू, लाला अमरनाथ, हॉकी खिलाड़ी असलम शेर खान, जफर इकबाल और टेनिस खिलाड़ी गौस मोहम्मद और वजीर अली तक सभी का अलीगढ़ या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से
नाता जरूर रहा है। फेहरिस्त काफी लंबी है, पर इसी फेहरिस्त में उर्दू शायर शहरयार और हिंदी के गीतकार नीरज दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने साहित्य से लेकर फिल्म तक का लंबा सफर तय कर अलीगढ़ का नाम रोशन किया है। नीरज और शहरयार जैसी साहित्यिक हस्तियों के साथ ही बच्ची बहादुर और मोहनलाल गौतम जैसी आध्यात्मिक और राजनीतिक हस्तियों ने भी इसका नाम रोशन किया है। गौतम संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भगत सिंह की फांसी का विरोध किया था। 31 में भगत सिंह की फांसी को रोकने का ये मोहनलाल गौतम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन पॉलिटिक्स। मैं जब 66-67 में अलीगढ़ आई तो अलीगढ़ में मैं के लिए मैं सिर्फ दो नाम जानती थी, एक नीरज का और दूसरा राही मासूम रजा का। उसमें भी नीरज सबसे ज्यादा प्रमुख थे। उस जमाने में शायद मैं 9th-10th में थी, हम लोग पागल थे उनके उस गीत के पीछे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, तो वो एक दिमाग में एक छवि बनी हुई थी। और वो गीत के रचयिता और कवि सम्मेलन में भी वो उन दिनों उसी गीत को बहुत गाते थे, बहुत लोकप्रिय हुआ था वो। तो मैं जब अलीगढ़ आई तो वही छवि लेके आई थी।